यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। अब इन सभी याचिकाओं की सुनवाई का वह स्वयं करेगा। इन याचिकाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसकी ओर से अगले 3 माह में सोशल मीडिया संबंधी नियम तैयार कर लिए जाएंगे। इन नियमों के बारे में अभी कुछ कहना कठिन है, लेकिन ऐसे सवाल उठ खड़े होना स्वाभाविक है कि आखिर सरकार को ऐसे कोई नियम क्यों तैयार करने चाहिए। यह अंदेशा भी प्रकट किया जा रहा है कि कहीं नियम बनाकर सरकार सोशल मीडिया की निगरानी तो नहीं करने लगेगी। ऐसे सवाल और संदेह के बीच इस सच की अनदेखी नहीं की जा सकती कि पूरी दुनिया के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन गया है। यह समस्या इसलिए और विकट हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं कर रही हैं। जब उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करने का शोर मचने लगता है। यह शोर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सोशल मीडिया के नियमन की कोई ज़रूरत नहीं। सच तो यह है कि इसकी ज़रूरत कहीं अधिक बढ़ गई है। इसका कारण यही है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग सभ्य समाज के समक्ष गंभीर संकट पैदा कर रहा है। सरकारों के साथ इसकी एजेंसियों के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकना कठिन हो रहा है। सरकारी एजेंसियों की ओर से सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल को रोकने के जो थोड़े बहुत उपाय किए गए हैं, वे इसलिए बेअसर साबित हो रहे हैं क्योंकि फर्जी एवं अधकचरी खबरों के जरिए दुष्प्रचार अभियान चलाने और सामाजिक ताने बाने को क्षति पहुंचाने अथवा किसी को बदनाम करने वाला एक संगठित उद्योग खड़ा हो चुका है। यह एक ऐसा उद्योग है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन रहा है। आखिर कौन भूल सकता है कैम्ब्रिज एनालिटिका नामक कंपनी की उस कारस्तानी को जिसने फेसबुक का डाटा चोरी कर कई देशों के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। ऐसे व्यापक छल कपट को देखते हुए यह आशा करना व्यर्थ है कि सरकारें सोशल मीडिया का नियमन करने के कोई उपाय ना करें। नियमन की ज़रूरत इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं। इसकी गिनती करना कठिन है कि फेसबुक सरीखी नामी कंपनी ने डाटा चोरी के मामले में कितनी बार मिथ्या जानकारी देकर लोगों को भरमाने की कोशिश की है। पता नहीं लोग इस सूचना से क्यों नहीं चौंके और उनके माथे पर सिलवटें नहीं पड़ी कि बीते सोमवार यानी 20 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही। हालांकि यह एक ऐसा संकेत है जिसमें आने वाले दिनों की भयावहता तो निहित है ही, यह चेतावनी भी है कि यदि हम अब भी ना चेते तो भावी पीढ़ी को घोर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज जब भी प्रदूषण की बात होती है तो सबसे पहले दिल्ली का नाम जेहन में आता है।
लेकिन लखनऊ ने गत सोमवार को उसे भी पीछे छोड़ दिया। लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स उस दिन 294 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली का 249 था। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ की हवाएं भी दिल्ली से अधिक जहरीली थीं। शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स मौसम व अन्य स्थितियों के आधार पर हर दिन बदलता है, फिर भी यह तो तय हो ही गया है कि प्रदेश के कुछ महानगरों में वायु का प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है, और यदि आसन्न खतरे की अनदेखी की गई तो आगे चलकर वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी शहर में प्रदूषण में एकदम से इजाफा होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके कारण पहले से ही मौजूद रहते हैं और एहतियात बरतने पर इसमें कमी की जा सकती है। आईआईटी कानपुर के एक अध्ययन के अनुसार शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण धूल है। यह धूल मुख्य रूप से खराब सड़कों से उड़ती है, निर्माण कार्यों से उड़कर हवा में मिलती है। वायु प्रदूषण का 87% कारण यह धूल रही है। इसके अलावा वाहनों व कूड़ा जलाने से प्रदूषण होता है। इसे देखते हुए ही लगभग 15 दिन पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 17 विभागों की समन्वित बैठक कर उन्हें आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। 15 शहरों के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया था, लेकिन बैठक के बाद सब भूल गए। कहीं ना निर्माण ढका गया और ना ही सड़कों की मरम्मत की गई।